पीयूष यादव में अगर इम्प्लांट कराना है तो हम कहाँ कराएं, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। और साथ ही साथ एक बात शॉर्ट में ये भी मैं आपको बता दूं कि इम्प्लांट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि कुछ लोगों को तो इम्प्लांट के बारे में पता है, कुछ को नहीं। तो इम्प्लांट की ज़रूरत उन लोगों को पड़ती है जो गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हैं और उनके दांतों में कोई ऐसी समस्या है जिसकी वजह से या तो कोई दांत कम है या फिर पहले निकल चुका है, तो उसकी वजह से अगर नंबर कम हो रहे हैं तो उनको पूरा करने के लिए ज़रूरी ये है कि आपको दांत लगवाना पड़ता है। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम डेंचर लगवा लें या निकलने और लगाने वाले दांत, तो वो एक्सेप्ट नहीं होते मेडिकल में। उसके लिए सिर्फ जो इम्प्लांट होते हैं वो ही एक्सेप्टेबल होते हैं। तो उसके लिए फिर सोचना पड़ता है कि हम दांतों में इम्प्लांट करा रहे हैं, अगर एक दांत है या दो दांत हैं तो फिर जो भी मेडिकल होने वाला है उसमें आपको जो रिक्वायर्ड नंबर होते हैं वो आसानी से मिल सकते हैं। तो इसको इम्प्लांट होता क्या है, ये कैसे किया जाता है, कुछ सेकंड में इसको अच्छे से ज़रा कुछ क्लिप्स देखकर इसको समझ लेते हैं कि जैसे आपकी स्क्रीन पर इस समय जो इमेज है उसको आप देखिए। इम्प्लांट कुछ इस तरीके का जैसे देख रहे हैं, आपको ये मसूड़ा दिख रहा है। इस मसूड़े में ये जो मेटल है, मेटल की एक रूट बनाई जाती है जो कि उस मसूड़े के अंदर बिल्कुल नेचुरल जैसे टीथ्स होते हैं उनकी तरह इसको अंदर लगाया जाता है। और उसके बाद कुछ ये इस तरीके की दिखती है और इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, जैसे बराबर के जो दांत हैं उनकी जैसे रूट दिख रही है ऐसे इस दांत की भी रूट दिख रही है। और फिर एक जो क्राउन के तौर पर जो दांत होता है बिल्कुल नेचुरल जो बराबर के जो टूथ्स हैं आपके उनकी तरह ही फिर इस पर ये लगा दिया जाता है और फिर ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे कि असली दांत। और इस तरीके के दांतों को लगा कर आप मेडिकल में अगर जाते हैं डेंटल मेडिकल में तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे इस दांत के और आप आराम से मेडिकल क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये इम्प्लांट कराने की ज़रूरत पड़ती है। अब सवाल ये आ जाता है कि आपका कि हम इसे कहाँ कराएं। इसके साथ एक बात और कि नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें। अब बात करते हैं कि आप इसे करा कहाँ सकते हैं। आप इसको तीन जगह करा सकते हैं, एक तो डेंटल क्लिनिक्स पर जो आपके आसपास हर जगह आपको अवेलेबल होंगे, दूसरा आपका अगर आप इसमें कुछ चीप चाहते हैं या फिर थोड़ा सा पैसे बचाना चाहते हैं तो उसमें आप डेंटल मेडिकल कॉलेजेस में भी संपर्क कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी हो सकते हैं, साथ ही साथ आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी हो सकते हैं। तो इन तीन जगह पर आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। अब आपका ये सवाल आ जाता है कि इसको कौन से डेंटल सर्जन करते हैं, तो इसको पेरियोडोंटिस्ट करते हैं, साथ ही साथ मैक्सिलोफेशियल ओरल सर्जन भी करते हैं और जो डेंटल सर्जन है जो एक्सपर्ट डेंटल सर्जन है वो भी इस सर्जरी को करते हैं। अब आपका नेक्स्ट सवाल एक और रहता है कि इसका प्राइस क्या रहता है अगर हम इम्प्लांट कराते हैं। तो प्राइस तो वेरी टिपिकल क्वेश्चन, क्योंकि अलग अलग जगह पर इसका अलग अलग प्राइस है, क्लिनिक्स के सेटअप के हिसाब से अलग अलग प्राइस है, अलग अलग चार्जेस होते हैं लोगों के इस काम को करने के, साथ ही साथ जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें इसकी अलग चार्जेस होगी, प्राइवेट सेक्टर में जो क्लिनिक हैं जो पर्सनल क्लिनिक उस पर इसकी अलग होगी। साथ ही साथ डिपेंड इस पर भी करेगी कि जो इम्प्लांट यूज़ किया जा रहा है उसकी जो कंपनी है या उसकी जो क्वालिटी है वो किस तरीके की आप खुद उसको चूज़ कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी इसका प्राइस मैटर करेगा। लेकिन कुल मिलाकर मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि इसी रेंज में आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका बहुत प्रेशराइज ये क्वेश्चन है कि कितने पैसे इसमें खर्च होंगे तो ये मैं एक आपको बॉर्डर लाइन ही बता रहा हूँ कि इसके आसपास, और इसमें बहुत सारा वेरिएंट भी हो सकता है क्योंकि जहाँ शुरुआत हो रही है उसमें भी वेरिएशन आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ जहाँ पर मैं एंडिंग बता रहा हूँ उसमें भी आपको वेरिएशन मिल सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है आपके दांत की कंडीशन के ऊपर, आपकी प्रॉब्लम के ऊपर, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है या कैसी स्थिति है उसके हिसाब से भी। तो ये कुल मिलाकर अगर हम शुरू करें इसको तो फिर 8,000 से लेकर ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास, और इसमें भी अप एंड डाउन प्राइजेज में हो सकता है, और बिगनिंग लेवल पर भी और जहां मैंने एंडिंग लेवल बताया उसमें भी प्राइस बढ़ भी सकते हैं और ऑलमोस्ट उस रेंज में भी रह सकते हैं। तो अगर आपके अब कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।